प्रशंसा से कभी पिघलना मत और आलोचना से कभी उबलना मत, बस निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना, क्योंकि मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का, हमारी कैपेसिटी का सही आभास हमें कराता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 25 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आपको बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 25 जून 2021 को शुक्रवार है। आज के विशेष उपाय में कामना पूर्ति के लिए कुछ उपायों के बारे में इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2078 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है, आज प्रतिपदा तिथि है, रात को 8:59 तक, उसके बाद में द्वितीय आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मूला नक्षत्र है, प्रातः 6:39 तक, उसके बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा धनु राशि में ही रहेंगे। आइए अब बात करें राहुकाल की। आज प्रातः 10:30 से लगा करके 12 तक राहुकाल रहेगा और राहुकाल में ऐसी मान्यता है कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं शुभ चौघड़े मुहूर्त की, जिसमें सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं और यह समय काल है प्रातः 7:21 से लगा करके 10:21 तक और वापस दोपहर में 12 से लगा करके 1:21 तक। यात्रा मुहूर्त की बात की जाए तो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ है, वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा साउथ वेस्ट में दिशा शूल लगा रहेगा, ऐसी स्थिति में इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर फिर जौ का उपयोग करके यात्रा का आरंभ कर सकते हैं, ये दिशा शूल दोष का परिहार हुआ। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदयकालीन कुंडली में आश्रय योग, संख्या दाम योग, सस महापुरुष योग, सुनफा योग, अधम योग, उभयचर योग, पर्वत योग, नीच भंग राजयोग, भारती योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, हर्ष योग, इनका साथ मिलेगा। जो पाराशरी योग है वो 300 योग है और यूँ 1000 योग है। 1000 योग में से आपकी कुंडली में कितने शुभ योग, कितने अशुभ योग है, कितने मिश्रित योग है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी दशा आएगी उसका इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। तो राजयोग की दशा आएगी तो आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड आएगा, चाहे वो अंतरदशा आएगी तब भी आपको एहसास होगा कि अचानक से इम्प्रूवमेंट आ गई है। तो ऐसी स्थिति में अपना, अपने जीवन साथी का और संतान का राजयोग की कुंडली जरूर होनी चाहिए, जिससे आपको आभास हो जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि किसकी कुंडली में स्ट्रेंथ है, किसकी कुंडली में बल है, तो उनके नाम से इन्वेस्टमेंट, उनके नाम से प्रॉपर्टी या उनके नाम से बिजनेस किया जा सकता है। और ठीक राजयोग की तरह ही जब आप अपनी राशि का, अपने लग्न का श्री भाग्यवृद्धि रत्न लोकेट जब धारण करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये तीनों त्रिकोण हैं और ज़्यादातर राजयोग ये केंद्र या त्रिकोण से संबंधित होते हैं, तो आपको एक एहसास हो सकता है कि सिर्फ उपरत्न के लॉकेट को धारण करने से इतना इम्प्रूवमेंट आ सकता है, तो फिर ओरिजिनल धारण करने से या राजयोगों का फायदा उठाने से कितना ज़्यादा लाभ हो सकता है। अब ये आपके सोचने का विषय है कि आप इसका लाभ कैसे उठाएंगे। और यदि आपके पास में राजयोग की कुंडली नहीं है तो स्क्रीन पर नंबर है, उस पर संपर्क करना है, घर बैठे राजयोग की कुंडली प्राप्त हो सकती है। और जिनके पास में ऑलरेडी कोई कुंडली है, विस्तार से बनी हुई है, तो सिर्फ राजयोगों की डिटेल आपको मिल सकती है। आइए अब बात करें लाख रुपए की। अगर देने के लिए कुछ नहीं है, दान करने के लिए कुछ नहीं है, तो जिस मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा हो वहाँ श्रम दान जरूर करें और इससे शनि देव प्रसन्न होंगे, क्योंकि एक तो शनि मेहनती है, दूसरा बृहस्पति के सान्निध्य में धर्मी बन करके होते हैं, रह जाते हैं। मंदिर बृहस्पति का प्रतीक है तो शनि की ढैया या साढ़े साथी में ये उपाय बहुत कारगर रहेगा। क्यों, अधिकतर शनि ही कण कण का मोहताज बना देता है, इसलिए श्रमदान करें। जहाँ पर भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको दूसरे शहर में जाना हो, अपने ही घर में चाहे तो मंदिर के जो प्रांगण होते हैं उसकी साफ सफाई आरम्भ करा दें, जो छोटी मोटी रिपेयर आपसे हो सकती है आप करवा सकते हैं वो करवाने का प्रयास करें। और यदि दान देने को या कुछ भी पैसा खर्च करने को नहीं है, हाथ तो है ही है, तो जो हाथ भगवान ने दिया है वो उन्हीं के काम में लगा दीजिए। आइए अब आरंभ करते हैं आज का राशिफल 25 जून 2021 के लिए। आरंभ करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से नाइन्थ हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। हालांकि ये चंद्रमा कल सुबह 9:54 पर चेंज हो जाएगा और वहाँ से कंटिन्यू अगले 4 तक, अर्थात आप ये मान करके चलिए कि 30 जून की दोपहर या शाम तक 7:42 तक कंटिन्यू आपके लिए पॉजिटिव टाइम पीरियड रहेगा। तो
वो टाइम पीरियड आप यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म गेन के लिए, कोई डील के लिए, ट्रेवल प्लान के लिए, इन सब चीज़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन सफलता की संभावना है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 32 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस जन्मा को 50% पॉजिटिव और 50% वीक बना देता है। हालांकि आज के दिन आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस, एमएनसी या जो एम्बेसी में काम करते हैं, या फिर वो लोग जो सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित प्रोडक्ट या उनकी कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए, और या फिर ये उन लोगों के लिए जो अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से संबंधित कोई काम करते हैं या सिखाने का काम करते हैं, कोचिंग क्लास चलाते हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन राशि से 9th हाउस का चन्द्रमा और वो भी 50% पॉजिटिव, मन में अशांति, हेल्थ प्रॉब्लम या हेल्थ से असंतुष्टि दे सकता है, आपको खुद को फील हो सकता है कि एनर्जी एकदम लो हो रही है, और जो हेल्पिंग हैंड चाहिए, आपने संतान को अपने साथ में ज्वाइन कर रखा है, वो उतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं, गंभीर नहीं हो रहे हैं, तो उसमें नुकसान भी आपके ऊपर ही आएगा, तो फिर आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे और फिर उस मेहनत में बहुत ज़्यादा थक सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, एंग्जाइटी आपकी बढ़ सकती है। और जो लोग जॉब में हैं उनको आज कुछ न कुछ प्रेशर में या फिर इंसल्टेड ढंग से काम करना पड़ सकता है, प्रेशर आज के दिन ज़बरदस्त रहेगा। और आप में से जो भी लोग बिजनेस में हैं उनको भी बहुत सोच समझ करके काम करना है, यदि बहुत बड़ी कोई डील है तो उसको आपने कल के लिए टालना चाहिए, क्योंकि कल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर दिन है। आज का दिन आपको धर्म के प्रति, आस्था के प्रति अट्रैक्ट करेगा, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम में डाइजेशन सिस्टम या पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित प्रॉब्लम भी परेशान करेगी। आज का लकी कलर है ब्राउन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ फल नहीं देता। नक्षत्र तारा सिद्धांत से संपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 36 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा, लेकिन 33% फिर भी आपको भोगना पड़ेगा नेगेटिविटी को। हालांकि ये चंद्रमा कल सुबह 9:54 पे राशि से 9th हाउस में चले जाएंगे, तो जो मारक भाव में स्थिति है उससे तो कंफर्टेबल स्थिति में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आपकी राशि से 8th हाउस में चंद्रमा है, आपको परेशानी, कलह या क्लेश, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, आकस्मिक विपत्तियां या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आपने सोची भी नहीं हो, वो आकर के आपको एकदम सरप्राइज कर सकती है, भौचक्का रख सकते हैं, आप भौचक्का बन सकते हैं, वो स्थिति आ सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित रोगों से अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है, एकदम से डाउनग्रेड हो सकते हैं, कि जो 2 दिन पहले एकदम सही स्थिति थी, अचानक से 1 दिन में क्या हुआ कि आपको कोई हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा या घर पे ही आपको आराम करने के लायक स्थिति हो गई। घर परिवार में भी जो रिश्ते नाते हैं उसमें भी आर्ग्यूमेंट का सामना करना पड़ेगा। सब मिला करके ये जो स्थिति है, चाहे मन और तन दोनों से आप बोल सकते हैं, कष्टकारक स्थिति है। और यहाँ पर आपको सोच समझ करके कोई भी काम काज करना है, चाहे वो जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, यहाँ पर रिस्क फैक्टर आपके आसपास घूम रहा है जिसमें लॉस की संभावनाएं ज़्यादा है, और यहाँ पर भरोसा करने पर सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही मिलेगा। आज का लकी कलर है पर्पल कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 18 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। आज के दिन विशेष रूप से आप में से जो भी लोग मेटल्स, मेडिसिन या केमिकल्स, या फिर वो लोग जो इंश्योरेंस और मार्केटिंग से संबंधित कोई काम करते हैं या कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, आपके लिए आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीलिंग मिल सकती है या लाभ की संभावनाएँ बहुत ज़बरदस्त है। राशि से 7वें भाव में आया हुआ चंद्रमा बहुत ज़्यादा खुशी देता है, संतुष्टि देता है और साथ ही साथ सुख सुविधाओं की प्राप्ति कराता है। घर परिवार में भी माहौल बहुत अच्छा रहता है और जो लोग विवाहित हैं उन्हें पूर्ण गृह सुख की बात कर सकते हैं, और जो लोग यंगस्टर्स हैं उन्हें कोई न कोई व्हीकल का सुख मिल सकता है। आप में से जो भी लोग जॉब करते हैं उनको बहुत कंफर्टेबल ढंग से जॉब करने को मिलेगा, या आज आपके साथ सीनियर्स बहुत अच्छे ढंग से पेश आएंगे, अच्छे ढंग से बात करेंगे। अच्छे खाने पीने या पहनने से जो खुशी मिल सकती है वो सब आज आपको मिलेगी। और जो लोग लिटरेचर के शौकीन हैं, साहित्य के शौकीन हैं, उन लोगों के लिए आज कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा या ऐसे लोग मिलेंगे जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। आज का लकी कलर है येलो कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें कर्क राशि की।
आपकी राशि से सिक्स हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी शेम तारा कल्याणकारी तारा का साथ और अष्टक वक्र में 28 डॉट ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बनाते हैं। और यही चंद्रमा जब कल सुबह आएगा तब भी पॉजिटिव ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में 28 तारीख की दोपहर को 1 बजे तक ये चंद्रमा कंटिन्यू आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद में ये चंद्रमा मारक भाव में राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे। आज के दिन विशेष रूप से फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट या फिर वो लोग जो कोई इनको शो बिजनेस में काम करते हैं, टीवी इंडस्ट्री या फिल्म लाइन में काम करते हैं, एंटिक और हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई काम करते हैं, आज आपके लिए कुछ न कुछ शानदार या कुछ न कुछ बेटर सरप्राइजिंग होने वाला है, जिससे आपको बहुत कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, संभावनाओं के द्वार खुल जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। राशि से सिक्स हाउस का चंद्रमा आपको दुख दुविधा से, कष्टों से, संघर्ष से निकालने के लिए जाना जाता है। जो भी आज आप हेल्पिंग हैंड ढूंढेंगे वहाँ से आपको सहायता मिलेगी। जो भी वाद विवाद है उसमें से निकल सकते हैं, समझौता हो सकता है, बातचीत हो सकती है और उसमें से कोई न कोई समाधान की राह निकल सकती है। जिन लोगों ने कोई टेम्परेरी कर्ज लिया है, शॉर्ट टर्म कोई लोन लिया है, उसको वापस चुकाने की आज बारी है, या जिन लोगों को कर्ज चाहिए वो भी कहीं न कहीं अगर एफर्ट करेंगे तो वो कर्ज भी मिल सकता है। सब मिला करके आज कोई भी सेगमेंट में आप काम करें, चाहे पर्सनल लेवल पर, चाहे बिजनेस लेवल पर, चाहे आप कर्ज मुक्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, शत्रु समन के लिए और या भाग्य के साथ के लिए, आज आपको सब कुछ मिलने के योग हैं। अर्थात कोई भी सेगमेंट में स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, उन्नति और प्रगति के योग आपको मिलने वाले हैं। और जो लोग अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। जो लोग एग्जाम या इंटरव्यू या कोई डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद हैं। आज का लकी कलर है ऑरेंज और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्र में 24 डॉट ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 50% पॉजिटिव और 50% मायूसी भरा बना देगा। हालांकि आज के दिन आप में से जो भी लोग मार्केटिंग में, ट्रेडिंग में, एजेंसी बिजनेस में, कमीशन एंड ब्रोकरेज में, या वो लोग जो स्टेशनरी से संबंधित, म्यूजिक से संबंधित या एंकरिंग से संबंधित स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के लिए आज का चंद्रमा बहुत बेहतरीन है। लेकिन दूसरे लोगों के लिए जो पेरेंट्स हैं वो संतान से या संतान की शैतानियों से, शरारतों से दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। उन लोगों को तो शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, क्योंकि उनसे उनका कंसंट्रेशन बैठेगा तो वो अच्छे ढंग से कामकाज कर पाएंगे, और नहीं तो बच्चों की वजह से आपको सीनियर से डांट खानी पड़ेगी या आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कंसंट्रेशन नहीं होने से या उनका ध्यान भटकने से, फ्रेंड सर्कल के साथ गपशप मारने से और या फिर मोबाइल में उलझे रहने से आप कुछ न कुछ डाउट्स में फंस जाएंगे या आपको एक प्रकार से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के शिकार बन जाएंगे। आपके कामकाज में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में एक प्रकार से ऑब्स्टिकल्स, व्यवधान, ये सब आपको परेशान करेंगे। और शारीरिक रूप से आप जॉइंट्स पेन से, गठिया से दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनको सोच समझ करके यात्रा करनी चाहिए। और आज के दिन दुर्भावनावश, मोहजाल में, बुरी आसक्ति में फंस करके कहीं पर भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश में मत लगिएगा, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे या फिर बदनाम हो जाएंगे, कानूनी मामलों में फंस जाएंगे। जो भी समस्या आएंगी उसका बहुत शांति से और अपने दिमाग से काम लेते हुए उनका समाधान ढूंढना है, आप सफल हो जाएंगे। आज का लकी कलर है गोल्ड और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा मौजूद है और ये चंद्रमा शुभ माना नहीं जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वक्र में 31 डॉट ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव बना देता है, आपका बचाव करने के लिए बना देता है। लेकिन राशि से 4 चंद्रमा शुभ नहीं है, इसलिए सिर्फ बचाव ही करेगा। आप ये सोचें कि 67% पॉजिटिव फल दे देगा, ऐसा नहीं होगा। 4th हाउस का चंद्रमा सबसे पहले आपको घर और परिवार से परेशान करता है, भूमि भवन वाहन से परेशान करता है। एकदम नया आपका व्हीकल है, रोजाना इजीली स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आज
आप उसको सेल्फ दे दे करके परेशान हो जाएंगे, स्टार्ट नहीं होगा। आखिरकार किसी न किसी व्यक्ति को, मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा और बहुत छोटी सी प्रॉब्लम निकलेगी, लेकिन इस छोटी सी प्रॉब्लम ने आपका एक दो घंटे खराब कर लिए, आपको स्ट्रेस में डाल दिया, तो ये स्थिति आएगी। और या फिर आपने अपनी गाड़ी किसी भाई बहन को दी थी और जस्ट उसके बाद में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उनके साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि तुमने गाड़ी सही नहीं चलाई या आपने कुछ ना कुछ नुकसान कर दिया है और आपने बताया नहीं, जस्ट ऐसी स्थिति हो सकती है। तो मानसिक उत्तेजना या कलह क्लेश की स्थिति घर परिवार से स्टार्ट हो सकती है और फिर वो सारे दिन, चाहे आपके सबॉर्डिनेटर हो, चाहे आपके कलीग्स हो, चाहे आपका स्टाफ हो, उस पर आपका गुस्सा, उस पर आपका क्रोध और आवेश निकल सकता है। और या फिर बीच रास्ते में आप यूं ही बड़बड़ाते हुए कंटिन्यू चलते रहेंगे, आपने रेड सिग्नल देख लिया, आप उसी समय एक प्रकार से फिर वापस गुस्से में आ जाएंगे, जोर जोर से आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं, लेकिन उससे क्या होगा, आपके एक्सीलेटर दबाने से वो ग्रीन सिग्नल नहीं हो पाएगा। जितने टाइम का वो सिग्नल है उतने टाइम तक आपको रुकना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए और हमेशा सेफ टाइम और मार्जिन टाइम लेकर के चलिए, ताकि आप हमेशा सही समय पर सही जगह पर पहुंच पाएं। जो लोग भी कोई रिलेशनशिप में हैं, उनको आज के दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आर्ग्यूमेंट बहुत हो सकते हैं, और या फिर आज आप जिसे आप अपना समझते हैं, अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं, हक जता रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बखेड़ा खड़ा हो सकता है, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। सब मिला करके आज के दिन आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, सोच समझ करके आपको काम करना है और सोच समझ करके भाषा का प्रयोग करना है, अन्यथा प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो सकती है। आज का लकी कलर है नेवी ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का साथ बहुत शुभ है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देते हैं। राशि से थर्ड हाउस में आया हुआ चंद्रमा शुभ माना जाता है, तो आज के दिन विशेष रूप से आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज या गवर्नमेंट एजेंसीज में, या फिर आप खुद गवर्नमेंट को सप्लाई देने वाले हैं, गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, आज आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपको ये एडवांस में बता देता हूँ कि कल सुबह 9:54 पर राशि से फोर्थ हाउस में चंद्रमा आ जाएगा, आपके लिए एक प्रकार से परीक्षा की घड़ी आ जाएगी अगले 2.25 दिन के लिए। इसका मतलब है कि आपको यही चंद्रमा 28 तारीख की दोपहर तक ये परेशान कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए प्लानिंग ऐसी बनाइएगा कि आपको ज़्यादा किसी के साथ में इंटरेक्ट नहीं करना पड़े। राशि से थर्ड हाउस में आया हुआ चंद्रमा इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने से या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कामकाज करने से आपकी सुख सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो भी आपके जान पहचान के क्षेत्र के लोग हैं, अपना सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, या जो भी आपके दोस्त यार हैं, उनसे आप काम निकलवा सकते हैं, दूसरों के काम भी निकलवा सकते हैं। मान लीजिए किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपने किसी को बोल दिया, जिसके पास जो चीज़ है उतना तो सपोर्ट वो कर ही सकता है, तो वो स्थितियाँ आपको फ़ायदा दे सकती है या आपका एप्रिसिएशन बढ़ा सकती है, आपकी एक प्रकार से नेम फेम बढ़ सकता है। सब मिला करके आज का दिन आपके लिए शुभ है, हर क्षेत्र में शुभ है, चाहे वो आप फिटनेस की बात करें, चाहे सर्कल का लाभ की बात करें, चाहे आप और कोई काम करने के लिए चले जाएं, या अपने जॉब की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, बिजनेस की बात करें, आज का दिन आपके लिए बहुत ही शानदार है, सुनहरा है। आज कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, सारे पॉजिटिव फल मिलेंगे, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और धैर्य और संयम से आप बहुत ज़्यादा कूल होते हुए आज का दिन शानदार गेन सक्सेस पाएंगे। आज का लकी कलर है पर्पल कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है, ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट ये कॉम्बिनेशन 50% पॉजिटिव है। आज के दिन आप में से जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक या फिर स्क्रैप का काम करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम करने वाले, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, मशीनरी या फिर मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, इनसे संबंधित काम करने वाले आज कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल और ज़्यादा ही प्रॉफिट और गेन में रहेंगे, लाभ में रहेंगे। इस समय काल को आज के दिन को चूकना नहीं चाहिए। और वैसे कल का दिन आपके लिए और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कल सुबह राशि से थर्ड हाउस में मकर राशि का चंद्रमा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आने वाले 28 तारीख की दोपहर को 1 बजे तक, वहाँ तक आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। राशि से सेकेंड हाउस का चंद्रमा हर मामले में, हर कामकाज में कुछ न कुछ व्यवधान देता है,
स्पीड को ब्रेक कर देता है, और स्पीड को ब्रेक हो जाने से जो आपने एक प्रकार से टारगेट लगाया है कि इतने घंटे में ये काम हो ही जाएगा, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में जो आपने कमिटमेंट दिया है वो पूरा होने में परेशानी दिखाई देती है, आप चिंता में आ जाते हैं, या आप खुद ही अपने स्टाफ से, लेबर से, या जो आपका टेक्निकल स्टाफ है उससे उलझ सकते हैं, और उससे फिर अनसेटिस्फैक्शन का माहौल डेवलप हो जाता है। राशि से सेकंड हाउस का चन्मा लालच की ओर या फिर दुराचार की ओर अट्रैक्ट भी करता है, उससे बचने की सलाह दे रहा हूँ। आँखों को लेकर के कुछ परेशानी हो सकती है, जिन लोगों को कैटरेक्ट है उन लोगों को आज कुछ स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान या धुंधलापन जैसा आपका बढ़ सकता है। कोई भी विवाद होगा, आज के विवाद में आपको फाइनेंशियली नुकसान होने के योग ज़्यादा हैं, ये ध्यान रखिएगा, और उससे बचने की कोशिश भरसक कीजिएगा। संतान या जीवन साथी या पेरेंट्स में से किसी न किसी की हेल्थ को लेकर के आज आप अपसेट होने वाले हैं, या फिर ये बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होने से आप दुखी, परेशान या फिर एक पर इरिटेट हो जाएंगे, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। स्टूडेंट के लिए भी आज का दिन अच्छा नहीं है, जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं वो आपको रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, और उससे आप खुद दुखी और परेशान हो रहे हैं। आज का लकी कलर है रेड कलर, और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चन्मा विराजमान है, और ये चन्मा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के साथ वध तारा का साथ शुभ नहीं है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चन्मा को 67% पॉजिटिव, 33% की वीकनेस देता है। लेकिन आज के दिन विशेष रूप से फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित कोई भी ब्यूटी सैलून चलाने वाले, ब्यूटी पार्लर चलाने वाले आज बहुत ज़्यादा गेन कमाएंगे या बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे। राशि से फर्स्ट हाउस में आया हुआ चन्मा इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा गेन देने के मौके देते हैं, या बहुत ज़्यादा आपको अवसर मिल सकते हैं, उसको अवसरों को पहचानना है और अपनी कैपिटल को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का मौका चूकना नहीं है। फाइनेंशियल गेन, इनकम, या ये बोल सकते हैं कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करके भी, शॉर्ट टर्म जो सौदे होते हैं वो करके भी बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। आज एंटरटेनमेंट के साधन, सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिलेंगी, या जो आप चाहते हैं उतनी सुख सुविधाएं आपके सामने प्रकट होंगी। जो यंगस्टर्स हैं वो भी अपने फ्रेंड के साथ में बहुत ज़्यादा सुखी, या फिर ये बोल सकते हैं आज कुछ विशेष प्रयोजन से पार्टीबाजी में आनंद उठाएंगे। संपत्ति या वाहन का सुख आज भरपूर मिलेगा। आज का दिन सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ साथ में कोई न कोई उपहार का है, सम्मान का है, या ये बोल सकते हैं कि जो कुछ भी आपने इमेजिनेशन की थी, जो कुछ भी आपने कल्पना की थी वो आज साकार रूप में हो जाएगी। आज का लकी कलर है ब्लू कलर, और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में चन्मा विराजमान है, और ये चन्मा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए इस चन्मा को 67% बचाव का साधन बनाएगा, 33% फिर भी आपको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। राशि से 12th हाउस का चन्मा व्यर्थ में खर्च, यात्रा में सामान चोरी हो जाना, या यात्रा में बहुत ज़्यादा असुविधा आना, मानसिक परेशानी, हर किसी से बात करेंगे आपका मंतव्य बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा तब भी सामने से रिप्लाई आपको बहुत नेगेटिव मिलेगी, और आज जो जो इमेजिनेशन करेंगे वो सब आपकी अपोजिट दिखाई देगी। मान लीजिए आपका खुद का पैसा बाकी है, वो मांगने चले गए और सामने वाले व्यक्ति ने ही आपको झिड़क दिया, इंसल्ट कर दी, फालतू चीज़ें, आपका मंतव्य कुछ और था, बोलने का आपका आइडिया कुछ और था, और उस व्यक्ति ने उस चीज़ को गलत वे में ले लिया, और वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गए। तो यहाँ पर आप कोई न कोई बात को लेकर के दुखी भी हैं, परेशान भी है, और कोई न कोई चिंता भी आपको खाई जा रही है। और आज के दिन महिलाओं पर, चाहे वो महिलाएं घर की माताजी हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, और ऑफिस में कोई हो सकता है जिसे ज़रूरत है, उन पर खर्च हो सकता है। हेल्थ को लेकर के, दुर्घटना को लेकर के, एक्सीडेंट को लेकर के आज ज़्यादा अवेयर रहना है, और आज अपमानजनक स्थितियां आपके सामने आ सकती है, उससे जहाँ तक संभव हो स्पीडली में आपको अवॉइड कर देना, निकल जाना है, अन्यथा वो बात का पतंगड़ बन जाएगा। आज नींद बहुत कम आएगी, ये ध्यान रखिएगा, और इसलिए मेडिटेशन करके सोइएगा तो आप फिर भी रिलैक्स रहेंगे। आज का लकी कलर है पर्पल, और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चन्मा विराजमान है, और ये चन्मा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है।
नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ और अष्टक वक्त में 26 डॉट ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। और ऐसी स्थिति में आज के दिन आप में से जो भी लोग फाइनेंस फाइनेंशियल ब्रोकरेज या वो लोग जो डिस्काउंट ब्याज बटा या जो गिरवी का काम करते हैं करेंसी का काम करते हैं उनके लिए, जो एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए, स्टेशनरी का काम करते हैं या स्कूल से संबंधित कुछ भी ड्रेसेस का काम करते हैं, बुक्स का काम करते हैं उन सभी लोगों के लिए, बेकरी कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा। राशि से 11th हाउस का चंद्रमा बहुत अच्छी जानकारी देते हैं या जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन होती है, भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलता है और जो कंफर्टेबल सिचुएशन आप चाहते हैं वैसी ही सिचुएशन वैसे ही योग आपको दिखाई देते हैं। और अपने खुद के रुपए पैसे की वसूली के लिए आज का चंद्रमा बेहतरीन माना जाता है। शास्त्रों में फाइनेंशियल गेन, संतुष्टि, सुख, नेम फेम अथा यश, इन सब के लिए राशि से 11वां चंद्रमा को जिम्मेदार माना जाता है और आज के दिन ये सब ये चंद्रमा आपको दे सकता है। विशेष रूप से आज आपका फ्रेंड सर्कल से या कोई रिश्तेदारों से मिलन हो सकता है। जो आपके अंदर एक धारणा बैठी हुई थी कि वो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको मैं अपना आइडिया बता सकूं, आज के दिन आपका वो काम हो सकता है, वो हेल्पिंग हैंड आपको मिलने वाले हैं। तो जो आप प्रोजेक्ट चाहते थे, जो प्लानिंग में आप हिस्सेदारी चाहते थे, सपोर्ट चाहते थे, वो आज के दिन आपका पूरा होने वाला है। हेल्थ में सुधार होगा, आपके कॉम्पिटिटर्स आज के दिन आपसे पीछे ही रहेंगे और जो आज यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। आज का लकी कलर है येलो कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में कर्म भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्त में 30 डॉट ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव बना देता है। हालांकि आज के दिन आप में से जो भी लोग मेटल मेडिसिन केमिकल्स या ये बोल सकते हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज से संबंधित या वो लोग जो ऑटोमोबाइल से संबंधित, ऑटोमोबाइल की रिपेयरिंग से संबंधित, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से संबंधित, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, चाहे वो आप ड्राइवर हैं, चाहे आप कैब चलाते हैं, चाहे आप और किसी ढंग से मैकेनिक हैं या आप सिर्फ केमिस्ट हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या जो भी सर्विस प्रोवाइडिंग करने वाले लोग हैं, आज के दिन आप बहुत अच्छे ढंग से गेन करने वाले हैं, बहुत कंफर्टेबल ढंग से आपका कामकाज होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले आज कुछ ज़्यादा ही सक्सेसफुल रहेंगे। राशि से 10th हाउस का चंद्रमा, जो आपका कामकाज है, जो आपका प्रोफेशन है उसमें आपको डीपली इन्वॉल्व करते हैं, आपकी एक्सपर्टाइज लोगों के काम आती है या आप अपनी एक्सपर्टाइज के कारण नेम फेम को पहचाने जाते हैं, नेम फेम के लिए आप एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। नई योजनाएं, नई प्लानिंग, नए लोगों से मिलना या फिर नए कोई ना कोई बिजनेस की और आपका ध्यान जाना, ये सब कुछ आज आपको कुछ बेहतरीन सक्सेस के मौके देगा। बहुत से लोगों से आज मुलाकात होगी, मीटिंग होगी या जो भी आपके क्लाइंटेज आएंगे वो भी आपको आज कोई ना कोई बेहतरीन आइडिया दे के जाएंगे या पार्टनरशिप का इन्विटेशन दे के जाएंगे। जो लोग जनता के बीच में जाकर के अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या अपना कामकाज करना चाहते हैं, चाहे आप राजनीति क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के सेक्टर में, आज आपके लिए जन व्यवहार में सफलता का दिन है। जो अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं या अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर लगाना चाहते हैं उनके लिए भी आज सुनहरे मौके हैं। आपकी जॉब में चेंजेस के लिए आप आज कुछ न कुछ सही न्यूज़ पाएंगे और फिर वहाँ पर आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जो लोग आस्तिक हैं या जो लोग धार्मिक स्वभाव के हैं उनको आज पूजा पाठ में आनंद आएगा। आज का लकी कलर है ग्रीन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। कामना पूर्ति के कुछ विशेष उपायों के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन सुबह स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर के शिवलिंग की पूजा करें और उस पूजा में अपने साथ में लगभग या एक अप्रोक्सीमेट जो भी कटोरा होता है वो चावल का भर करके बैठें। इसके बाद में शिवलिंग की यथासंभव विधि विधान से पूजा करें और पूजा के बाद में एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, उन पर चढ़ा देना है। इस प्रयोग से आर्थिक अभाव से राहत मिलती है और ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो ही थोड़ी बार करें, थोड़े दिन करेंगे, आपको एहसास हो जाएगा कि आपको उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है और जो चावल आप चढ़ा चुके हैं वो अगले दिन चावल हटा करके जो भी पक्षियों को डाल सकते हैं या इकट्ठे करके किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं।
आई। अब दूसरा उपाय करें, यदि किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहा है, तो यदि नौकरी नहीं मिलने से परेशान है तो सबसे आसान उपाय है कि आप कुछ दिनों तक मीठे चावल कौओं को खिलाएं। और ये मान्यता है, अनुभव सिद्ध प्रयोग है कि जल्दी ही आपकी समस्या का समाधान होगा। और ये उपाय पितरों से संबंधित शांति के लिए या पितरों के प्रसन्नता से होता है, क्योंकि जब भी श्राद्ध पक्ष में आपने देखा होगा जो कौवे हैं उनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम, मनचाही मनोकामना पूरी करने के लिए शुक्रवार की रात एक चौकी पर पानी का पात्र रखें। उस पानी के पात्र में, चाहे ग्लास हो, लोटा हो या और कोई कटोरी हो सकती है, उस पात्र के अंदर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बना करके फिर उसमें पानी भर दें। अब इस पात्र में चावल, दूर्वा और एक चांदी का सिक्का डाल दें। घबराइए मत, जब ये प्रयोग संपन्न हो जाए तो चांदी का सिक्का निकाल करके वापस घर में रख दीजिएगा। फिर एक छोटी सी प्लेट में चावल भर करके उसे इस पात्र के ऊपर ढक्कन की तरह रखना है। इसके ऊपर आपके पास जो भी श्रीयंत्र हो स्थापित कर देना है, या फिर आपके लक्ष्मी की प्रतिमा हो, छोटी सी मूर्ति हो, वो स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद में माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए लक्ष्मी का मंत्र जाप करना है। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होने के योग बनेंगे। मंत्र बहुत छोटा सा है, ओम श्रीम श्रियई नमः। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए, ओम श्रीम श्रियई नमः। आइए अब एक और उपाय के बारे में जानते हैं, यह है पितृदोष दूर करने के लिए। अमावस्या के दिन चावल की खीर बना करके उसमें आपने रोटी को भिगो लेना है, स्मैश कर देना है, जिसे सामान्य भाषा में चूर लेना बोलते हैं, और अब इसे आपने कौओं को खिला देना है। इस छोटे से उपाय से घर के पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। और इस उपाय में आपका कुछ भी ज़्यादा खर्च नहीं होने वाला है, लेकिन उसका जो आपको रेस्पॉन्स मिलने वाला है वो आपको चौंका सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में जब पितरों के आशीर्वाद से या ग्रहों नक्षत्रों के आशीर्वाद से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, तो सबसे पहला फिल्टर जो आता है, आपके रक्षक जो आते हैं, वो आपके पितर आते हैं, और उनकी प्रसन्नता से, उनके आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। अब बात करते हैं कष्टों से मुक्ति के लिए क्या करें। आप सुबह सुबह कोई भी शुभ मुहूर्त में या पूर्णिमा के दिन चावलों को केसर या हल्दी में रंग करके पीला कर लीजिए। ध्यान ये रखना है कि चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, अर्थात अखंड होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए। अक्षत का मतलब है जिसका कोई शय नहीं है। अब इन चावलों को किसी मंदिर में जाकर के ईश्वर को समर्पित कर देना, भगवान को चढ़ा देना है, और उनसे अपनी कष्ट मुक्ति की प्रार्थना करनी है। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत सामान्य सा उपाय है। ये जो उपाय हैं ये आपको करके देखने हैं, क्योंकि अनुभव सिद्ध प्रयोग है, जिससे लोगों में एक धारणा बन चुकी है कि ये करने से इसका प्रभाव ऐसा या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा मिलता ही है। तो आप भी इन मान्यताओं को अपने जीवन में दोहरा सकते हैं, प्रॉब्लम का एक प्रकार से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का राशिफल और आज का उपाय। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये एपिसोड यदि आपके लिए शुभ है और ध्यान देने योग्य है या यूज़ करने योग्य है, तो इसे शेयर बहुत करें, या जो भी आपके जो परिजन हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, उसमें शेयर करें, ताकि आपके साथ में दूसरों का भी भला हो। और प्राय ये देखते हैं कि लोग जोक्स वगैरह ये व्हाट्सएप मैसेज बहुत फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन जो ही कोई काम की चीज़ होती है उसे फॉरवर्ड नहीं करते, कि लोग क्या समझेंगे कि मैं अंधविश्वासी हूँ। आप भगवान की जब पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तब अंधविश्वासी नहीं है। जब आप खुद अपने घर में चुपके से अपने लिए पूजा पाठ करते हैं, उसमें अंधविश्वासी नहीं है। लेकिन वही चीज़ दूसरों को जब स्प्रेड करते हैं, दूसरों को शेयर करते हैं, तब आपको डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे अंधविश्वासी नहीं मान ले। मानता है तो मान लीजिए, आप भी उस पुण्य में भागीदार बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।